मेरा नाम है शुभम, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ निकल के आई है कि यहाँ पे ग्लोबल स्टेबल अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है MIUI 11.0.2.0। कोई भी चाइना स्टेबल अपडेट नहीं, ना ही कोई बीटा अपडेट है, सीधा ही डायरेक्टली बीटा अपडेट देख सकते हैं। स्टेबल अपडेट 650 MB 11.0.2.0। तो इसकी पूरी डिटेल देने वाला, किस डिवाइस को ये अपडेट मिला है अभी और आपको क्यों नहीं देखने को मिला, जी हाँ, और कैसे आप इसको मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपके पास ये डिवाइस है। तो पूरी वीडियो में बताने वाला डिटेल, तो लास्ट तक वीडियो देखते रहिए। लेकिन हमारे चैनल पे नए हैं, MIUI 11 की इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो सिंपली ये देख सकते हैं 11.0.2.0 अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है, जो कि पाई बेस है 650 MB का रेडमी 7 डिवाइस के लिए। लेकिन इंडिया में अभी तक रेडमी 7 यूजर्स को क्यों नहीं मिला और वो कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं वो भी बताने वाला। पहले आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ कि ये अपडेट आया है या नहीं। तो वीडियो भी मेरे पास पड़ी है, तो वीडियो भी आपको दिखा देता हूँ मैं, ताकि आपको पूरा विश्वास हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले पुश कर दूँ यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा, ताकि यहाँ पे सारी डिटेल आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पे मैंने वीडियो को पुश कर दिया, देख सकते हैं रेडमी 7 10.2.5.0। अब ये देख सकते हैं वीडियो के अंदर आपको दिखाएगा कैसे हमने इसको इंस्टॉल किया। अपडेट आया हुआ ऊपर ऐसे ही क्लिक करता है तो 11.0.2.0 देख सकते हैं अपडेट आ चुका है, ग्लोबल स्टेबल अपडेट, जी हाँ। तो यहाँ पर एक बार और दिखा देता हूँ, यहाँ पर ग्लोबल लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टेबल MIUI ग्लोबल रोम, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपडेट आ चुका है, पाई बेस पे अपडेट है। और इसको आपको कैसे इंस्टॉल करना है अगर आपके पास रेडमी 7 डिवाइस है। तो सिंपली आपको क्या करना है, अगर रेडमी 7 डिवाइस है तो यहाँ पे अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना है। इंडिया में अभी अपडेट रोल आउट नहीं किया गया, ये इंडोनेशिया, बांग्लादेश, अदर कंट्री में रोल आउट कर दिया गया, लेकिन इंडिया के लिए अभी पता नहीं रोक रखा है, क्योंकि थर्ड बैच में ना है ना उसका, तो शेड्यूल से पहले रोल आउट कर रहा है उन्होंने ग्लोबल के अंदर, लेकिन इंडिया में अभी रोल आउट नहीं किया गया। तो यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में जाएंगे और रशियन में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको कर लेना है इंडोनेशिया सेलेक्ट। यहाँ पे इंडिया होएगा तो यहाँ पे इंडोनेशिया कर लीजिएगा, लेकिन फिर भी उसके बाद आपको 2-3 मिनट रुकना है, उसके बाद ही चेक कीजिएगा। उसके बाद आपको अपडेट ना मिले तो 5-7 दिन बाद ट्राई करना है, क्योंकि अभी वहाँ पर टेस्टिंग के रूप में अपडेट दिया गया है, उसीलिए अपडेट आपको शायद तक ना देखने को मिले अभी। लेकिन 22 या 23, 24, 25 तारीख को आप टेस्ट करोगे तो वो अपडेट आपके मोबाइल में आ जाएगा इंडोनेशिया। 24 तारीख को यह मेथड अपनाना, आज करके देख लो, नहीं तो 24 या 25 तारीख के बाद ये करके देखना, इंडोनेशिया सेलेक्ट करना। उसके बाद वहाँ पर रेजिडेंट सेलेक्ट करने के बाद अबाउट फोन में चेक करेंगे तो आपके मोबाइल में अपडेट आ जाएगा, जी हाँ, क्योंकि वहाँ पर टेस्टिंग के रूप में अपडेट दिया गया है। अभी शायद तक वो अपडेट गायब हो चुका है वहाँ से भी, जिन 1-2 घंटे में बहुत सारे यूज़र ने उसको कर लिया है, बहुत सारे लोगों ने कर भी लिया है। तो यहाँ पे आपको करना होगा 24 से 25 तारीख, जब वहाँ पे सभी के लिए रिलीज होगा, क्योंकि अपडेट सस्पेंड भी हो सकता है। किसी लिंक से अभी मत कीजिए, कोई भी आपको लिंक दे तो उसे लिंक से मत कीजिए इंडिया वाले, क्योंकि अपडेट सस्पेंड हो सकता है, जी हाँ। सस्पेंड हो गया तो ये वेरीफाई नहीं होगा, उसी लिए कह रहा हूँ अभी अपडेट मत कीजिए। अगर आप इंडोनेशिया सेलेक्ट करके देखिए, इंडोनेशिया या रशिया सेलेक्ट करके देखिए, उसके बाद आप अबाउट फोन चेक कीजिए, उसके बाद क्या पता अपडेट आ जाए। नहीं आए तो 5-7 दिन बाद ट्राई कीजिएगा, आपके मोबाइल में अपडेट आ जाएगा, जी हाँ। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास रेडमी नोट 5 प्रो भी डिवाइस था पहले, क्योंकि उसमें भी ओरियो का अपडेट जब रिलीज हुआ था, जो बांग्लादेश में पहले रिलीज हुआ था, बांग्लादेश, इंडोनेशिया ऐसे जगह, इंडिया में नहीं रिलीज हुआ था, तो मैंने रीजन चेंज करके उसको अपडेट किया था। एंड्रॉयड ओरियो की बात करूँ, पिछले साल की, एंड्रॉयड पाई की नहीं, तो उस वक्त भी ऐसे ही मैंने चेंज किया था। तो यहाँ पे इंडोनेशिया के रिलीज हुआ तो यहाँ पे इंडोनेशिया को ऑप्शन दिया जाता है, तो इंडोनेशिया का आप जाके रोल आउट हो चुका है वहाँ पर, तो वहाँ पर आप अपडेट कर सकते हैं MIUI 11 पे। लेकिन ऑफिशियली मैं बता दूँ कब मिलेगा इंडिया में, तो ऑफिशियली मैं बता दूं कब मिलेगा रेडमी 7 को इंडिया में। अगर ऑफिशियल आप पाना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप डेट कर लेना 24-25 तारीख को चेंज करके आप, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो रेडमी 7 की मैं बता दूं इंडिया में ऑफिशियल कब आएगा, 13 से 29 नवंबर के बीच में आएगा, थर्ड बैच के अंदर ये ऑफिशियल है, उस वक्त तो आपको अपडेट मिलना है। लेकिन आप पहला करना चाहते हैं तो 24-25 तारीख को ये मेथड अपनाना पड़ेगा आपको, जी हाँ, रीजन चेंज करके आपको अपडेट कर सकते हैं। बस ये इन्फॉर्मेशन दे रही थी कि रेडमी 7 के लिए अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है ग्लोबल के अंदर, लेकिन इंडिया में करना चाहते हैं तो रीजन सेलेक्ट करके 5-6 दिन बाद ट्राई कीजिएगा। अभी चेक कर लीजिए, अगर आ रहा है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है, बस इन्फॉर्मेशन दे रही थी ग्लोबल स्टेबल अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के, आपके लिए टेक केयर एंड गुड बाय।